दोस्तों, क्रिकेट के खेल में किसी भी गेंदबाज का हैट्रिक लेना एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। जैसे जैसे ये खेल बल्लेबाजों के फ्रेंडली होता जा रहा है, अगर कोई गेंदबाज हैट्रिक लेता है तो वह अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि आज के समय में 3 गेंदों पर 3 विकेट लेना बहुत कठिन काम है। लेकिन कुछ हैट्रिक और विशेष हो जाती हैं जब गेंदबाज अपने डेब्यू मैच में ही हैट्रिक ले लेता है। यह वास्तव में क्रिकेट के आगमन करने का बहुत ही शानदार तरीका है। इससे गेंदबाज का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको 5 ऐसे क्रिकेटरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने डेब्यू अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक ली है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। डैमियन फ्लेमिंग ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच 1994-95 में रावलपिंडी में मैच हो रहा था। डैमियन फ्लेमिंग, जो इस मैच के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम का रेगुलर सदस्य हो गए थे, उन्होंने अपनी आउट स्विंग से प्रभावित करते हुए हैट्रिक बनाकर ऑस्ट्रेलिया के युवा गेंदबाज बन गए थे। उन्होंने अपने 23वें ओवर की अंतिम 2 गेंदों में लगातार 2 विकेट आमिर मलिक को बेवन के हाथों कैच कराया और इंजमाम को LBW कर दिया। उसके बाद अपने 24वें ओवर की पहली ही गेंद पर फ्लेमिंग ने सलीम मलिक को विकेट कीपर इयान हिली के हाथों कैच करवाकर अपनी हैट्रिक पूरी की। तेजुल इस्लाम, बांग्लादेश के गेंदबाज तेजुल इस्लाम ने अपने डेब्यू वनडे में हैट्रिक लेकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया था। तेजुल 27वां ओवर फेंकने आए थे और उन्होंने सोलोमन मिरे को LBW किया और टेंडाई छतारा बोल्ड आउट हुए थे। उसके बाद उन्होंने 3 से पयंगारों को बोल्ड आउट करके अपनी हैट्रिक पूरी की थी। उन्होंने 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर पहला विकेट और उसके बाद 28वें ओवर की पहली 2 गेंदों पर उन्हें 2 विकेट मिले और उनकी इस तरह से हैट्रिक पूरी हुई थी। कगिसो रबाडा ने भी इस क्लब को ज्वाइन किया है। उन्होंने अपने पहले वनडे में बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली थी। चयनकर्ताओं ने अनुभवी मोरकल की जगह 20 वर्षीय रबाडा को टीम में शामिल किया था। तमीम इकबाल इस हैट्रिक में बोल्ड हुए थे। लिट्टन दास को बहरादीन ने कैच किया था। इसके बाद महमूदुल्ला को रबाडा ने LBW आउट कर दिया था। रबाडा ने इस मैच में 16 रन देकर 6 विकेट लिए थे। वानिडू हसरंगा, दोस्तों, श्रीलंका को हमेशा से शीर्ष श्रेणी के स्पिन गेंदबाजों के प्रजनन स्थल के रूप में माना जाता है। साल 2017 में एक और प्रतिभा युवा लेग स्पिनर वानिडू हसरंगा का रूप लोगों के सामने आया। 2017 में वानिडू हसरंगा ने गैले में जिम्बाब्वे के खिलाफ 2रे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में डेब्यू किया था। इन्होंने इस मैच के 3रे ओवर में 1 हैट्रिक के साथ पारी समाप्त कर दी। इन्होंने अपनी 2री गेंद पर MN वेलर का स्टंप उखाड़ दिया, फिर अगली गेंद गुगली डालकर DT तिरिपाने को कैच आउट करा दिया। इसके बाद 3री बॉल भी गुगली डालकर TL चतारा के पैड और बैट के बीच से निकालकर क्लीन बोल्ड कर दिया था। सहन मधुस्का, श्रीलंका के तेज गेंदबाज सहन मधुस्का ने साल 2018 जनवरी में बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले एक दिवसीय मैच में डेब्यू किया। बांग्लादेश पहले ही 7 विकेट खो चुकी थी जब इस तेज गेंदबाज ने पहले 2 विकेट अपने 6ठे ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर लिए। बैटिंग कर रहे मुशर्रफ़ मुर्तजा ने एक फुलटॉस बॉल हिट की जो कि सीधे फील्डर के हाथ में लेग साइड की गहराई में गई, जबकि अगले बल्लेबाज को परफेक्ट यॉर्कर से आउट किया और अपने अगले ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने महमूदुल्ला को बहुत ही उल्लेखनीय तरीके से आउट किया था।